यामा से इस खानदान को भी रस के अरसे आजम कर दिया। इसकी फजा में आज भी दुनिया की अजीम तरीन मुकद्दस हस्तियां आराम कर रही हैं। कहीं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोजे अनवर है तो कहीं अहले बैत अलैहिस्सलाम के मुकद्दस मजारात है। ये सरजमीन दुनिया की आम जमीनों की तरह नहीं है, बल्कि यहाँ कदम रखते हुए हमेशा ये ख्याल रहना चाहिए कहीं ये वो जगह तो नहीं जहाँ रिसालत व अमामत ने कदम रखा हो। यहाँ का जर्रा जर्रा लायक सदर एहतराम है। यहाँ पहुँच कर खुद को वही व कुरान की फजा में महसूस करना चाहिए। इसकी फजाओं में नूर अव्वल अकल अव्वल मखलूक आजम के अनवार की तजलियात है। इंसान को चाहिए कि अपनी तारीखी वजूद को इन अनवार से मुनव्वर करे और यहाँ पहुँच कर सिर्फ दुनियावी अनवार की दरख्वास्त नहीं करना चाहिए बल्कि यहाँ हादी आजम से हिदायत की भीख मांग कर अपनी झोलियों को भर लेना चाहिए। फिक्रो नजर कर बोजिगर दिलो दिमाग फिक्रो ख्यालात की नूरानियत तलब करना चाहिए। हैवान नाती को इंसान में इंसान कामिल में तब्दील करना चाहिए। इन हस्तियों की निगाहों में किमाई असर है। जब ये पत्थरों को जबान दे सकते हैं तो इनके लिए इंसानों को तब्दील करना क्या बड़ी बात है। मस्जिद नबी मस्जिद हराम के बाद दुनिया की सबसे अजीम मस्जिद है। इस मस्जिद में नमाज पढ़ने का सवाब बेहद बेहिसाब है। एक एक रकात पर लाखों रकातों का सवाब है। लिहाजा इंसान जब तक इस मुकद्दस शहर में रहे अपनी तमाम नमाजें इसी मस्जिद में अदा करे। इस मस्जिद के एक हिस्से में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोजे अनवर है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत आमाले हज की तकमील का सबब है और ज़ियारत ना करना अकरू जमा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ज़फ़ा करना है और ज़ियारत करने वाले को क़यामत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ात नसीब होगी। कह दीजिए सुभान अल्लाह। अभी हमारी गाड़ी मस्जिद बिलाल के करीब में लोहे वाली जो पुल है और उसके सामने हलवैक है, हलवैक के पास ही हमारी गाड़ी अभी रुकने वाली है। और नमाज मगरिब के फौरन बाद जिन्हें वापस नहीं आना है वो हमें बता देंगे, उनका इंतजार नहीं किया जाएगा। ठीक है, जिन्हें भी वापस नहीं जाना है वो पहले बता देंगे उतर के, क्योंकि उनका इंतजार नहीं किया जाएगा शाम को। आप देख लेंगे 37 नंबर गेट से जब बाहर निकलेंगे तो यही एरिया है, यहीं पे आएंगे। ये मस्जिद बिलाल के करीब में ये लोहे वाली कुबरी दोनों तरफ है, लेकिन अलबैक के सामने जो कुबरी है वहाँ पे हमारी गाड़ी अभी रुकेगी और शाम को यहीं से इंशाल्लाह वापस जाएगी। आप अपना जगह एरिया देख लेंगे इंशाल्लाह और जिन्हें नहीं आना है वो बता देंगे।